यहाँ क्या कर रहे हैं? यार मुझे एक कॉल आया था। अच्छा, तो तुझे भी उसी ने फोन करके यहाँ पे बुलाया? हाँ यार, मगर ये हो कैसे सकता है? यही तो हम सोच रहे थे यार, आखिर उसे हमारे बारे में पता कैसे चला? हाँ यार, सालों हो गए यार उस बात को, वो फोन कैसे कर सकती है? दुआ? ये दुआ कैसे? कौन तुम? अरे वाह, आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है और ट्रेनर सर भी नहीं है। आज तो स्विमिंग करने में बहुत मजा आएगा। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। आप लोग यहीं पर रहिए। ये देखो, यहां पे भी खून है, यहां पे किसी को मारा गया है और शायद उसके बाद लाश को पूल में फेंक दिया गया। पर सर, लाश कहाँ गई होगी पूल में से? देख, सर पूल के अंदर जाके देखो। यस सर।
एक नहीं, दो नहीं, चार चार लाशें हैं इस पानी में। चार चार लाशें? यस सर, वहां पे। सर सब यंग लग रहे हैं, 22 से 28 के बीच लग रहे हैं सर। जूते और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। लग तो रहे हैं कि अच्छे फैमिली के हैं। चारों को गला काट के मारा गया है। देखो, नाखून एकदम सफेद हो गए। बॉडी से पूरा खून निकल जाने के बाद ऐसा ही होता है कि शरीर से सारा खून निकल के पूल के पानी में मिल गया। ये चारों इसी कॉलेज के हैं क्या? नहीं सर, सर इन्हें पहली बार यहां देख रहा हूं। पहली बार? इस कॉलेज के नहीं है? तो फिर अंदर कैसे है? बाहर के लोगों को एंट्री अलाउड है क्या अंदर? नहीं सर, बगैर आई कार्ड के हम किसी को एंट्री नहीं देते यहाँ पर। तो फिर ये लोग अंदर कैसे हैं? अंदर आने का कोई और रास्ता है? नहीं सर, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर आए कहाँ से ये लोग? सर, सर शायद ये दीवार, दीवार कूद कैसा? विवेक, पूर्वी, जाके देखो वहां। यस सर। सर ये देखो, यहां से जाली टूटी हुई है, मतलब वो चारों लोग यहीं से अंदर घुसे हैं। ये क्या है? खाल? खाल? हाँ, ताजी। मतलब वो लोग यहां से अंदर नहीं घुसे क्योंकि उनके शरीर पे कहीं भी खरोच नहीं है। तो ये खाल किसकी है? शायद खूनी की है। ये देखो, ये मिला इसकी जेब से। सर ये तो सिर्फ फ्लाइट में जो बैग्स पे टैग लगते हैं, ये इलास्टिक तो वैसे ही लग रहा है। हो सकता है कहीं आदमी कहीं बाहर से तो नहीं है। सर ये इलास्टिक को देख के हम ऐसा कह सकते हैं? पूर्वी, तहकीकात में कई बार ऐसा सोचना पड़ता है, बाद में यही बात सच निकली तो। सर एक और बात है, ये चारों लोग जो मरे हैं, चारों का गला काटा गया था। एक आदमी के बस की बात नहीं है सर ये सब करना। हाँ विवेक, खूनी अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग होंगे। फिर भी सर थोड़ी बहुत तो हाथापाई हुई होगी, लेकिन इनकी बॉडी पे तो कोई भी निशान नहीं है। और सर जब इन लोगों का गला काटा गया था
कोई तो चिल्लाया होगा, तो फिर किसी ने सुना कैसे नहीं? फिर तो एक ही बात हो सकती है, ये चारों लोग बेहोश रहे होंगे जब इनका गला काटा गया। बेचारे सर, और खूनी जाते वक्त कुछ भी नहीं छोड़ गया इनके पॉकेट्स में, सब खाली है। सिर्फ ये छोड़ गया सर, एक और चीज छूटी है। क्या सर? ये खाल। खाल? यस सर, वहां दीवार के ऊपर जाली थोड़ी टूटी हुई थी, ये खाल उसी पे लगी थी। शायद खूनी दीवार के ऊपर से कूद के आया था और कूदते वक्त उसे चोट भी लग गई। इन चारों लोगों की फोटो ले लो और टीवी पे दिखाओ। सर, मेरे पति वहां गए क्यों थे? सर, ये जगन की वाइफ है। सर बताइए ना, के कॉलेज क्यों गए थे जहां उनकी मौत होने वाली थी? क्या आपको बताया नहीं आपके पति ने कहां जा रहे हैं? सर, राहुल की वाइफ। क्या आपके पति ने भी आपको नहीं बताया कि वो कहां जा रहे? नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्या आप इन्हें जानती हैं? नहीं सर, आपके भी पति की मौत हो गई है। जी हाँ, वहीं पे हुई, इसी स्विमिंग पूल में जहाँ पे आपके पति की हुई। लेकिन सर, वो के कॉलेज गए ही क्यों थे? एक बात बताइए, क्या आपके पति राहुल ने कभी जगन के बारे में बात की थी आपके साथ? जगन? ये कौन है? जगन इनके पति हैं। नहीं सर, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, जगन ने कभी राहुल के बारे में बात की थी आपसे? नहीं सर, कभी नहीं। सर, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हैं, इनके पति भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो फिर दोनों की लाशें एक साथ स्विमिंग पूल में कैसे? जरा आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें कभी देखा है पहले? नहीं सर, नहीं। इनकी लाश भी हमें उसी स्विमिंग पूल से मिली। हमें लगा कि शायद आपके पति इन्हें जानते होंगे, कोई दोस्ती वोस्ती होगी। नहीं सर, मैंने तो इनको आज तक देखा तक नहीं है। एक ही टाइम पे चारों साथ में थे, चारों के चारों बिना किसी को बताए के कॉलेज में पहुंच गए, क्यों? मुझे तो खुद समझ नहीं आता है कि जगन वहां गए क्यों थे। आपको कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया। आपके पति ने कुछ बताया होगा आपको कहां जा रहे हैं? सर, राहुल के ऑफिस में पार्टी थी, वहीं गए थे। राहुल के ऑफिस में पार्टी थी? बताया तो यही था उन्होंने। कितने बजे गए थे वो? दोपहर 2 बजे। और जगन? जगन घर से कब निकले? सर, वो घर से निकले थे किसी मीटिंग के लिए, करीब 3 बजे के आसपास। राहुल घर 2 बजे छोड़ता है, जगन 3 बजे छोड़ता है, फिर चारों मिलते हैं और चारों का खून भी होता है, मगर चारों अजनबी। कुछ मिला सच? सर, जगन और राहुल की वाइफ का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इनके फोन रिकॉर्ड देखने से तो लगता है कि ऐसा कोई है जो इन दोनों को अच्छी तरह से जानता है। मतलब? साफ साफ बोलो सचिन। ये देखिए सर, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर है, ये नंबर बिल्कुल कॉमन है सर। हेलो। और जिस वक्त जगन और राहुल का खून हुआ, उस वक्त भी इसी कॉमन नंबर से फोन आया था। कॉमन नंबर से? ओह, बाकी दो लोग जो मरे हैं, हो सकता है उन्हें भी इसी नंबर से कॉल किया गया। अगर ये नंबर खूनी का है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने से इन लोगों को इसी नंबर से फोन आया। पिछले एक महीने से? हाँ सर। ओह, ऐसा लगता है कोई इनके पीछे पड़ा है। इस नंबर को ट्रेस किया तुम? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, शाम तक पता चल जाएगा कि ये नंबर है किसका। थैंक यू सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी से फोन था, हमने जो 2 डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स उन्हें भेजी थी, उनमें से एक उनके रिकॉर्ड से मैच कर रही है। कौन है वो? सर, उसका नाम पीयूष है।
वो कल 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई आएगा। दिल्ली चल के इसके घर वालों से पूछताछ करते हैं। पीयूष, पीयूष आ गए। पीयूष जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी से? क्यों, क्या हुआ? पीयूष ठीक तो है ना? वो हम लोग पीयूष के बारे में बात करने आए हैं। वैसे आप? जी मैं शिखा हूँ, उसकी फ्रेंड। पर पीयूष के बारे में आप लोगों को क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? वो बोलिए ना, क्या हुआ? पीयूष ठीक तो है ना? आप लोग चुप क्यों खड़े, बोलिए ना। एक्चुअली मैं शिखा, पीयूष अब इस दुनिया में नहीं रहे। संभालो ने। शिखा, 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 शिखा। आपको कोई आइडिया नहीं कि पीयूष मुंबई क्यों गया था? के कॉलेज के स्विमिंग पूल के पास उसे क्या काम था? कॉलेज? लेकिन पीयूष ने मुझसे कहा था कि होटल राज पैलेस में उसकी कोई मीटिंग थी और वो उसी के लिए मुंबई जा रहा है। पीयूष ने आपसे झूठ बोला था, वो कभी होटल राज पैलेस गया ही नहीं था। सचिन जरा वो फोटो दिखाना। इन फोटोज को देखिए, इन तीनों में से किसी को पहचानती हैं आप? नहीं, कौन है ये लोग? ये तीन वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज हमें उसी स्विमिंग पूल में मिली थी पीयूष के साथ। पर ये लोग कौन है? पीयूष को इतने दिन से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि पीयूष इन लोगों को जानता था। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से पीयूष के स्वभाव में कोई बदलाव नोटिस किया था आपने? हाँ सर, पीयूष को फोन आया करते थे और जब भी उसको कॉल आते थे वो परेशान हो जाता था और पता नहीं अकेले में जाकर क्या बात किया करता था। आपने इस फोन कॉल के बारे में उसे पूछा नहीं कभी? कई बार पूछा था मैंने, लेकिन वो कुछ ना कुछ कहके टाल देते थे। ये फोन पीयूष को कब से आ रहा था? पिछले एक महीने से। ये वही नंबर है जिससे राहुल और जगन को फोन कॉल्स आते थे। इस पीयूष के कॉल डिटेल्स निकालो, देखो ये वही नंबर है या नहीं। इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? यस सर, जिस नंबर से राहुल जगन और पीयूष को फोन किया गया था वो किसी विपुल का ही है। तो यही होना चाहिए। दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? विपुल, विपुल। सर लगता है अंदर कोई भी नहीं है। हाँ सर। दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, हम आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे? मुझे थोड़ा थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। देखिए, हमें विपुल से मिलना है। विपुल कहाँ है? पता नहीं, लेकिन मैं और विपुल आपके पैसे लौटा देंगे, आप चले जाइए यहाँ से। अरे क्या पैसे पैसे लगा रखा आपने?
हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या चक्कर है ये सब है? ये क्या चक्कर है पैसों का? दरअसल मैंने और विपुल ने लोगों से पैसे लेके एक प्रोजेक्ट में लगाए थे और वो सारे पैसे डूब गए। तो लोग रोज आते हैं घर पे पैसे मांगने के लिए, मुझे लगा कि आप लोग भी। विपुल कहाँ है? पता नहीं, दो तीन दिन से तो विपुल घर पे भी नहीं आया है, मगर आप क्यों ढूंढ रहे हो उसे? आपके विपुल ने चार लोगों का खून किया है। खून? नहीं, विपुल किसी का खून नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब वो पैसे लेके लोगों से धोखाधड़ी कर सकता है तो खून क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है जो चार लोग मरे उनसे भी पैसे लिए उसने और बाद में उनका खून कर दिया। नहीं, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा विवेक, जरा फोटो दिखा इन्हें। विपुल ने इन्हीं चार लोगों का खून किया है, आप इनमें से किसी को पहचानती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विपुल मार नहीं सकता, विपुल मार नहीं सकता। इसका मतलब ये चौथा आदमी ये विपुल है? किसने मारा मेरे विपुल को? किसने मारा मेरे विपुल को? देखिए ये हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज जरा ये फोटो फिर से देखिए। ये जो तीन लोग हैं, राहुल, पीयूष और जगन, आप इनमें से किसी को जानती हैं? नहीं जानती। और विपुल जानता था? नहीं, वो भी नहीं जानता था। देखिए ये कैसे हो सकता है, अगर विपुल उन्हें नहीं जानता था तो पिछले एक महीने से इन तीनों को फोन क्यों कर रहा था? विपुल इन्हें कॉल कर ही नहीं सकता, जब वो इन्हें नहीं जानता तो कैसे कॉल कर सकता है? ये हमने विपुल के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, उसने अपने नंबर 1287564880 से इन तीनों लोगों को फोन किया है। लेकिन ये तो विपुल का नंबर है ही नहीं। क्या? विपुल का नंबर तो 1157534322 था और उसके पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं था। सर अब ये क्या पहेली है, मैंने खुद चेक किया था सर, ये 1287564808 नंबर विपुल के नाम से ही है। इसका मतलब खूनी ने विपुल के नाम से नंबर लिया था ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे विपुल का हाथ है, मगर क्यों? अगर कुछ मिला नहीं अब तक तो हमें बुलाया क्यों? अरे यार कुछ बताने के लिए ही बुलाया। अरे तो फिर बता ना। एक मिनट बॉस, इन चारों डेड बॉडीज में खून की एक बूंद तक नहीं है। इसमें नई बात कौन सी बताई तूने? ये तो हमें भी पता है, पूरा स्विमिंग पूल इनके खून से लाल हुआ था, लाल। एक मिनट, मुंडी क्या हिला रहा है, हैं? बहुत पोस्टमार्टम देखे मैंने, कुछ नया दिखा मुझे, नया दिखा। तारिका कुछ मिला? हाँ सर, ये देखिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेट्स सी। इसका मतलब हमारा शक सही है। एग्जैक्टली। कैसा शक सर? बस इन चारों लोगों के फेफड़ों में छोटे छोटे काले काले निशान है, या कहिए कि छोटे छोटे घाव के निशान है। देखिए ये देख रहे हैं? ये देखिए सिगरेट बीड़ी का निकोटिन? नहीं दया, ये निशान निकोटिन के नहीं है। तो फिर ये निशान ड्रग्स के हैं। बॉस मैंने इनका पेट चेक किया है, इनका यूरिनरी ब्लैडर चेक किया है, कुछ नहीं मिला है।
सिर्फ इनके लंग्स में ये छोटे छोटे जख्म के निशान है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई ऐसी नशीली ड्रग सूंघी है जिसकी वजह से इनके फेफड़ों में ये जख्म हो गए। मतलब इन सबकी मौत ड्रग्स की वजह से हुई है? नहीं, ड्रग्स से सिर्फ इन्हें बेहोश किया गया है, मौत तो इनकी गला काटने की वजह से ही हुई। अच्छा, एक और बात, इन चारों की मौत लगभग एक ही वक्त हुई है, एक दो मिनट के फासले। चारों को ड्रग्स सुंघा कर बेहोश किया, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है दया, कि जिसने भी इन चारों को बेहोश किया वो इन चारों को जानता था और ये चारों भी उस आदमी को जानते थे। इन चारों की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ पता लगाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कौन है वो जिसने इन चारों का गला काटा है। हाँ बोल। सही, विपुल के फोन रिकॉर्ड से। गुड। माने ये कैसे हो सकता है सर? क्या हुआ जी? सर ये रिकॉर्ड के हिसाब से खूनी ने विपुल को भी फोन किया है। कमाल है। पहले विपुल के नाम पर इसने नया सिम कार्ड खरीदा और अब इसी नंबर से विपुल के असली नंबर पर फोन कर रहा है। सर ये खूनी दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रहा है। हाँ अभिजी, और हमारे इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी भी एक ही जगह पर अटक गई है। अभिजीत, अगर ये चारों के चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे तो फिर एक ही जगह पर पहुंचते कैसे हैं? क्या क्या कनेक्शन हो सकता है इन चारों के बीच में? वो चारों दोस्त थे सर। क्या चारों दोस्त थे? हाँ अभिजीत, हमने इन चारों का बैकग्राउंड चेक किया, ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छे दोस्त थे सर। 10 साल पहले इन चारों ने एक साथ 12th पास किया था। चारों के चारों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो फिर ये जरूर कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी और खूनी भी उस टाइम का होगा। कॉलेज कौन सा था? किस कॉलेज में थे? सुनोगे तो चौंक जाओगे, केके कॉलेज। केके कॉलेज, तब जहां पर मौत हुई उसी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। और सर ये चारों जिस दिन मरे थे उस दिन मलाड में एक रेस्टोरेंट में गए थे सर। ये एक साथ गए थे? नहीं सर, अलग अलग, वो भी अलग अलग टाइम में सर। इन सब के उस होटल में जाने के टाइम में एक एक घंटे का डिफरेंस है सर। एक एक घंटे का फर्क? हाँ, हमने विपुल, पीयूष, जगन और राहुल इन सब के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक किए, इनके पेमेंट्स के टाइमिंग में भी करीब एक एक घंटे का डिफरेंस है। है ना बड़ी अजीब बात, चारों के चारों एक ही होटल में जाते हैं और वो भी एक एक घंटे के बाद, मगर एक दूसरे से मिलते नहीं है। और फिर उसी रात मरने से पहले केके कॉलेज के स्विमिंग पूल पर इकट्ठा होते हैं। क्यों, किस लिए, क्या वजह हो सकती है? भाई साहब, हम लोग CID से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जरा ये फोटोग्राफ देखिए, आप इन लोगों को पहचानते हैं? ये चारों मर चुके हैं। हाँ, इन्हें पहचानते हैं आप? सर इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, अभी 2 दिन पहले तो ये मेरे रेस्टोरेंट में आए थे। इनके साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, ये अकेले ही आए थे, पर अलग अलग टाइम पर आए थे। अलग अलग टाइम पे मतलब ये लोग एक दूसरे से मिले ही नहीं? नहीं सर, एक जाता था दूसरा आता था, दूसरा जाता था तीसरा आता था। इनमें से पहले कौन आया था? पहले पहले ये आया था सर। फिर ये आया था। और उसके बाद? उसके बाद ये और फिर ये। मतलब पहले राहुल, फिर जगन, फिर विपुल और पीयूष। अच्छा, आपको इन लोगों के बारे में इतने डिटेल में याद कैसे? याद कैसे नहीं होगा सर, सर इनकी वजह से नुक्कड़ का शराबी हमारे रेस्टोरेंट में घुस आया था। नुक्कड़ का शराबी? हाँ सर, यहीं पे नुक्कड़ पे खड़ा रहता है, पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया था, हर एक घंटे में यहाँ पर घुसाता था और इनसे बातें करने लग जाता था। आपने कुछ सुना कि उन्होंने क्या बातें की? सुन तो नहीं पाया, पर ये जब भी उनसे बातें करता था वो लोग परेशान हो जाते थे और फटाफट अपना बिल चुका कर यहाँ से निकल जाते। इस वक्त की शराबी कहाँ मिलेगा? पीछे सर वाला।
चल बैठ। क्या चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए? रवाना रास्ते पे सीधा मुद्दे पे आ। हम लोग सीआईडी से जो जो सवाल करें चुपचाप उसका जवाब दो। समझे साहब? साहब ऐसा क्या गलत किया है सर मैंने? अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहा था? है? ये देख, परसों रेस्टोरेंट में इन चारों के साथ क्या बात कर रहा था? वो बता क्या बात कर रहा था? देख वो चारों मर चुके हैं। क्या मर चुके? हाँ, और तू अपने आप को सही सलामत चाहता है तो बता तेरा क्या लेना देना उनसे? साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। अगर तेरा कोई लेना देना नहीं है तो हर एक घंटे में क्या बात करने जाता था इनसे? साहब मैं सिर्फ चिट्ठी पहुँचाता था, उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें, पढ़ा तुमने? मैंने चोरी से पढ़ा था, उसमें लिखा था तुम लोगों ने जो किया है वो मुझे पता है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी और तुम लोग वही मिलो जहाँ आखिरी बार मिले थे मल्लिका। सर इस मल्लिका ने सबको पुल के पास बुलाया था। लगता है ये कोई पुरानी बदले की कहानी है। सर आवे सर, ये साल 2006 का अटेंडेंस रजिस्टर है सर, 12वीं कक्षा का। ये नाम देखिए सर, राहुल, विपुल, जगन और पीयूष। तो ये चारों दोस्त ने एक साथ पढ़ते भी थे? यस सर। हाँ देव। अच्छा कौन? मल्लिका? हाँ ओके, देखता हूँ मैं। ओके ओके, तय का फोन था। उस दिन किसी मल्लिका ने इन चारों को फोन किया था। सर ये देखिए, इस रजिस्टर में एक मल्लिका भी है। ये? हाँ सर, वो भी उन चारों के साथ ही पढ़ती थी। आप मल्लिका को जानते हैं? नो सर, मेरा मतलब है कि 6 साल पहले जब मेरी यहाँ नई नई नौकरी लगी थी तो उसी साल मल्लिका को स्विमिंग चैंपियनशिप मिली थी सर, इसलिए मुझे याद है। स्विमिंग चैंपियन? अच्छा अभी कहाँ है मल्लिका, आपको मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। ओके, फिर एक काम करो, मल्लिका के क्लासमेट, प्रोफेसर, उस समय के जो भी लोग मिलते हैं सर उनको ब्यूरो में बुलाओ। जगन, विपुल, राहुल और पीयूष 6 साल पहले के कॉलेज में पढ़ते थे, क्या उस वक्त आप लोग भी उसी कॉलेज में थे? यस सर। तो फिर मल्लिका को तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ सर, वो मेरी क्लासमेट थी। सुना इन चारों का झगड़ा हुआ था मल्लिका के साथ, है ना? नो सर, इन चारों की तो दोस्ती थी, इनफैक्ट काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन हमें लगता है कि इन चारों का खून मल्लिका ने किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, मल्लिका जैसी सीधी साधी लड़की किसी का खून कर ही नहीं सकती। सर वो कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में तेज, स्पोर्ट्स में तेज और यहाँ तक कि स्विमिंग में वो कॉलेज की चैंपियन थी। सर मल्लिका किसी का खून कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि क्योंकि मल्लिका 6 साल से मेंटल असाइलम में है, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? क्यों, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो मेंटल असाइलम में है? पता नहीं सर, बस इतना याद है कि 12th के एग्जाम से पहले कुछ हुआ था और उसके बाद वो कभी कॉलेज आई ही नहीं। उसके घर वालों ने भी कुछ नहीं बताया? नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभिजीत, दया, क्या लगता है, क्या वाकई मल्लिका की दिमागी हालत ठीक नहीं या फिर ढोंग कर रही है? सर अभिजीत, आप लोग मल्लिका से मिलना तो चाहते हैं पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो इस हालत में नहीं है कि आप लोगों से बात कर पाए। क्यों, ऐसा क्या? 6 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ही बुरी हालत में थी, कोमा में थी वो। कोमा में? एकदम बेहोश? जी हाँ, एकदम बेहोश, और पिछले 5-5.5 साल तक वो बिल्कुल बेहोश रही। अभी 5-6 महीने पहले ही होश में आई है। आप लोग प्लीज बहुत ही संभल के बात कीजिएगा उससे। जी हाँ,
आपको कुछ पता चला था कि इनकी हालत ऐसे कैसे हुई थी? क्यों चली गई थी ये कोमा में? कैसे पता चलेगा? कभी कुछ बताती नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलती। मल्लिका, कैसे हैं आप? पांच छह महीने से हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, पर किसी से कुछ कहती ही नहीं है। उधर जाके थी बेचारे। गुड गर्ल, गुड गर्ल। कुछ भी नहीं हुआ नर्स, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं नर्स, लेके जाओ। पानी से डर लगता है इसको। अगर सर मल्लिका स्विमिंग चैंपियन थी, स्विमिंग चैंपियन और पानी से डर? देख, उन चार लोगों की लाशें पानी में मिली हैं। लाशों का पानी में मिलना और मल्लिका का पानी से डरना, लगता है मल्लिका का उन चारों से कोई ना कोई कनेक्शन है। घबराइए मत, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, मल्लिका से मिलने उसके माँ बाप, भाई बहन कौन आता है यहाँ पे, कौन है? बहुत मुश्किल से सिर्फ उसका नाम पता कर पाए हम लोग, बस एक फोन आता है। फोन आता है किसका? एक आदमी है जो हर महीने पैसे भेजता है, बस वही फोन करता है। आपने मल्लिका को ले जाने की इजाजत दे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मल्लिका की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए मिस्टर अभिजीत, आप लोग तो इनकी हालत जानते ही हैं, इसलिए आप लोगों को इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो हम जो भी अच्छा होगा इनके लिए करेंगे। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी आप इनके साथ हमेशा एक नर्स रखें। नर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम फौरन आपको फोन कर देंगे। ठीक है, पर आई होप आप इन्हें जहाँ भी ले जा रहे हैं इनके दिमाग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम होने नहीं देंगे ऐसा। ओके, थैंक यू। सब ठीक है सर? मैं कौन हूं ये मत पूछो, बस मेरी बात सुनो। सीआईडी मल्लिका को अपने साथ लेकर गई, कहां गई है ये भी मैं जानता हूं। अगर मल्लिका को बचाना चाहते हो तो आधे घंटे बाद मुझे ताथा रोड पर मिलो। क्या मैडम, बिल्कुल टाइम पर आ गई आप। तो मैंने फोन किया था ना। अरे कमाल करती हैं आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी। तुम हो कौन? अरे मुझे छोड़िए ना, मेरे से क्या लेना देना आपका, आप बस मल्लिका से मतलब रखिए। अगर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, क्या फायदा है तुम्हारे इसमें? फायदा मैडम, अगर आप समझती हैं कि मैं आपकी मदद मुफ्त में कर दूंगा तो ये गलत बात है। मतलब? मतलब पैसा रोकड़ा। मैडम मैं आपको मल्लिका के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, बदले में आप मुझे तो उसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे इंफॉर्मेशन सही दोगे? सही बोली आप। और गारंटी चाहिए? सीआईडी कहां ले गई मल्लिका को?
मल्लिका, ये वही स्विमिंग पूल है जहां पे 6 साल पहले कुछ हुआ था। याद करो क्या हुआ था यहां पे। विपुल, जगन, राहुल, पीयूष, इनके अलावा कोई और था यहां पे? याद करो मल्लिका, कोशिश करो मल्लिक। अरे वहां कहां से आ रहे? अरे रुक जा शिखा, तुम्हें क्या लगा था जैसे उन चारों को बेहोश करके मार दिया हमें भी ऊपर पहुंचा दोगी? हैं? कभी नहीं। एक एक मिनट शिखा, जिस व्हील चेयर को ले जाने में तुम इतनी मेहनत कर रही हो उसमें बैठा कौन है ये तो देख लो, तुम्हारी बहन मल्लिका या फिर खबरदार ऑफिसर। नहीं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। कौन है मेरी बहन? देखो तुम्हारी बहन हमारे पास है, सही सलामत। मुझे मेरी बहन चाहिए वरना मैं तुम्हारे इस ऑफिसर को जान से मार डालूंगी। नहीं, बेवकूफी मत करो, छोड़ दो इसे। नहीं, मुझे पहले मेरी बहन चाहिए वरना मैं तुम्हारे इस ऑफिसर को वहीं पहुंचा दूंगी जहां मैंने उन चारों को पहुंचाया है। मगर क्यों, क्यों मारा तुमने उन चारों को? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना दिया था, तबाह कर दिया था उन लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को। 5.5 साल तक मेरी बहन कोमा में थी सिर्फ उन लोगों की वजह से। और आप लोग कहते हैं कि क्या किया उन लोगों ने? मगर मल्लिका उन चारों की दोस्त थी ना। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उन लोगों ने और दोस्ती में ही दगाबाजी की और इसलिए मैंने उस दगाबाजी का बदला लिया है। मार डाला उन लोगों को, गला काट कर उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। उस रात बोली कौन, कौन तुम? बोलती कि नहीं? कौन हो तुम? तो वाह, पहचान लिया तुमने मुझे? तुम सुनाओ। हाँ, तुम जैसे राक्षसों का खात्मा करने के लिए ही मैं जिंदा। ये हमें मारेंगे। लगता है तुझे भी अपनी बहन मल्लिका के पास जाना है। कौन कहाँ जाएगा ये तो अब मैं बताऊंगी। तू तू क्या करेगी? तू क्या करेगी? ये स्विमिंग पूल याद तो होगा ही तुम लोगों को। क्यों, कुछ याद आया? नहीं। और ऐसे दगाबाजों को सबक सिखाने का मेरे पास एक वही रास्ता था और मैंने दिखा दिया उन लोगों को कि औरत कमजोर नहीं होती है, अन्याय के विरुद्ध वो सारी दुनिया से लड़ सकती है। मैं मानता हूं उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था और फिर वही गलती दोहराने जा रही हो तुम। पागलपन मत करो प्लीज, चाकू नीचे करो। नहीं, मैं अपनी बहन मल्लिका को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी बहन चाहिए, बताओ मुझे कहाँ है मेरी बहन? शिखा, तुम्हारा यहाँ से बच के निकल पाना नामुमकिन है। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम? हाँ मैं, जो गुनाह तुमने किए
उनकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कौन है तुम? सीनियर इंस्पेक्टर रजत। क्या सीआईडी इंस्पेक्टर? जी हाँ। देखो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, इसको जाने दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे। ये क्या पागलपन है? जान लेना और जान देना दोनों अपराध है। एक की सजा से बचने के लिए दूसरा अपराध करनी थी तुम, हैं? क्या पागलपन है? संभालो अपने आप को। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी या सजा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। तब तक तुम्हें जेल में इंतजार करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.